और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम बात कर रहे हैं फसलों से संबंधित। फसलों से संबंधित अगर देखेंगे तो मध्य भारत के पठार में अगर देखोगे आप तो मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरसों की हांडी। सरसों की हांडी कहा जाता है इसको। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पर सरसों सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगर सरसों के क्षेत्र में देखें तो मुरैना क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सरसों होती है। मुरैना रीजन में सबसे ज़्यादा सरसों हम देखने को मिलती है। इसके अलावा दूसरे में श्योपुर में हमें सरसों मिलेगी। ठीक है, तो श्योपुर और मुरैना में सरसों ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए सरसों की हांडी कहते हैं। इसके अलावा, सरसों के अलावा अगर देखेंगे तो यहाँ पर गेहूँ की खेती, सरसों के अलावा गेहूं, ठीक है, गेहूं के बाद इसमें अगर देखेंगे तो ज्वार, मोटे अनाज, श्री अन्न पाए जाते हैं। मोटे अनाज की कृषि यहाँ पर की जाती है ज़्यादातर मात्रा में। तो ये कुछ फसलें हैं जो हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो ये हो जाता है ज़्यादातर सरसों, फिर गेहूँ, इसके अलावा मोटे अनाज है, ज्वार है, ठीक है, ये कुछ यहाँ पर कृषि की जाती है। तो ये आपको कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंने बताई हैं जो कि मध्य भारत के पठार से संबंधित है। एक एक करके आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से इसको याद करना है सभी को ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये हो गया मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार के बाद अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा मध्य भारत के पठार के अलावा नेक्स्ट जो क्षेत्र है हमारा वो है बेटा बिंद का, रीवा पन्ना का पठार या बिंद का कगारी क्षेत्र। ठीक है, कौन सा वाला भाग था बेटा? ये हमारा था तीसरा भाग। चौथा भाग देख लेते हैं हम, चौथा बात कर लेते हैं भाग की। चौथे भाग की बात करें तो चौथा भाग आता है रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार, ठीक है, रीवा पन्ना के पठार की बात कर लेते हैं। ये बेटा कहलाता है, मैंने अभी बताया, ये बिंध का कगारी क्षेत्र। तो इसमें अपन लिखेंगे इसे इसे बिंध का कगारी क्षेत्र भी कहते हैं। क्षेत्र भी कहते हैं इसे, बिंद का क्या कहते हैं? कगारी क्षेत्र भी कहते हैं। तो बिंद का कगारी क्षेत्र क्या होता है भैया? कगार क्या होता है इसको समझिएगा। कगार को कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे कोई भाग है, इस तरीके से कोई भाग है, और यहाँ पर अगर इस भाग में अगर देखोगे आप कि ये भाग किसी भाग से टूट कर अलग होता है। क्या हो जाता है? टूट कर अलग हो जाता है, किसी एक भाग से इसमें से टूट गया, अलग हो गया। तो ये जो रीजन आपको दिख रहा है ना बना हुआ, ये कहलाता है बेटा कगार क्षेत्र। क्या कहलाता है? ये कगार क्षेत्र कहलाता है, ये कगारी एरिया है। और इस कगार में अगर देखोगे आप, ये कगार नदियों की घाटियों के आसपास के रीजन में ज़्यादा पाए जाते हैं, या इन कगारों के कारण हम देखते हैं कि जो नदियाँ आती हैं जब इन कगारों के आसपास के रीजन में प्रवेश करती हैं तो यहाँ से इन कगारों के सहारे नीचे की ओर पानी गिरता है। तो बहुत सारे वाटरफॉल और छिपरिका, यानी यहाँ पर कई प्रकार के वाटरफॉल और रैपिड्स का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो कगार जो हैं वो बेसिकली क्या हैं? दो भूभाग को आपस में, अगर दो भूभाग आपस में भ्रंश के माध्यम से अलग हो जाएं, फॉल्टिंग के माध्यम से अलग हो जाएं, तो कगारों का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है बेटा? कगारों का निर्माण हो जाता है दो क्षेत्र अगर आपस में अलग हो जाएं। ठीक है, दो क्षेत्र क्या हो जाएं? आपस में अलग अलग हो जाएं, तो यहाँ पर कगारों का निर्माण हमें देखने को मिलता है। इस तरीके से कगारें बन जाती हैं। तो ये सभी की सभी क्या हैं? कगारी क्षेत्र हैं, को अपन इस तरीके से समझ सकते हैं। ये कगारी प्रदेश हैं, तो इनको अपन क्या कह देते हैं? कगार कह देते हैं, जो दो भूभागों के भ्रंश के कारण अलग होने से, बीच में भ्रंश बन जाता है, तो भ्रंश के कारण अलग होने से बीच में यहाँ भ्रंश बन गया तो ये कगारें बन जाती हैं। इन्हीं कगारों के सहारे नदियाँ जलप्रपात और छिप्रिकाएँ बनाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यह क्या है बेटा? भ्रंश कगारी, सॉरी विंध्यन कगारी क्षेत्र है। यहाँ पर हमें
कगारों के रूप में अगर देखेंगे तो कुछ रीज़न दिखाई देते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। अगर इसमें हम देख लें, एक एक पॉइंट करके देख लेते हैं, इसका अगर हम क्षेत्रफल सॉरी इसका अगर हम पूरी स्थिति देखें, रीवा पन्ना के पठार की अगर हम लोकेशन देखें, तो यह क्या है बेटा, रीवा पन्ना का पठार अगर हम इसको समझें तो रीवा पन्ना का पठार मुख्य तौर पर इसकी लोकेशन कहाँ पर है, डायग्राम से यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा। डायग्राम से अगर हम इसको देखेंगे तो हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे आसानी से। यहाँ पर देखिएगा, ये रीज़न जो है हमारा कौन सा कहलाएगा, तो बुंदेलखंड के रीज़न के पास में ही ये क्षेत्र आता है। अगर आप इसको देखोगे तो कुछ इस तरीके से इसकी लोकेशन है। ये वाला जो भाग आप देख पा रहे हो, जो मैंने अभी ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला रीज़न जो है आपका, ये है रीवा पन्ना का पठार। कौन सा वाला भाग, ये वाला भाग, इसको कहते हैं अपन रीवा पन्ना का पठार। तो रीवा पन्ना का पठार है जो मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। इसकी अगर स्थिति देखें तो इसकी स्थिति क्या है बेटा, इसकी स्थिति अगर आप देखोगे, आप स्थिति यहाँ पर बता सकते हो कि इसकी उत्तर में, उत्तर में क्या स्थित है, उत्तर में बुंदेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड का पठार उत्तर में बुंदेलखंड है, ठीक है। दूसरा अगर देखें तो इसके पूर्व की ओर अगर देखेंगे हम, इसके पूर्व में क्या है, इसके पूर्व में अगर आप देखोगे तो इसके दक्षिण पूर्व को हम लेंगे इसमें, यहाँ पर इसके दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में अगर आप देखोगे तो बघेलखंड का पठार स्थित है, बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार स्थित है। वहीं अगर इसका पश्चिमी इलाका देखोगे, पश्चिमी भाग देखोगे इसका, तो इसके पश्चिमी भाग में हमें मालवा का पठार देखने को मिलता है, मालवा का पठार। वहीं दक्षिण में क्या देखने को मिलता है बेटा, दक्षिण में हमें विंध्यांचल पर्वत देखने को मिलता है, विंध्यांचल पर्वत, ठीक है। दक्षिण में विंध्यांचल पर्वत का यहाँ पर विस्तार पाया जाता है, विंध्यांचल पर्वत है, विंध्यांचल पर्वत यहाँ पर स्थित है। नाभि लिख लेते हैं, इसके बाद आगे बात करते हैं। फिर इसके बाद एक और बात इसमें महत्वपूर्ण, स्थिति के बाद हम देख रहे हैं इसमें दूसरा पॉइंट है क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल है इसका। तो स्थिति के बाद क्षेत्रफल की जब हम बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल कुल मिलाकर अगर देखें बिंदन कगारी क्षेत्र का, तो 31,954 कितना है बेटा क्षेत्रफल इसका, 31,954 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 31,954 वर्ग किलोमीटर है, जो समस्त मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का, समस्त मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 10.37% कितना बेटा, 10.37% है ना, 10.37% है समस्त मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का। ये 10.37 कितना है परसेंट के आसपास का इलाका है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, वही तीसरा पॉइंट हमारा रहता है कौन सा, वर्षा एवं तापमान, ठीक है। वर्षा एवं तापमान की क्या स्थिति है, तो अगर आप रीवा पन्ना का पठार देखोगे तो ये विंध्यन क्षेत्र से संबंधित है, चूँकि थोड़ा सा पूर्वी और उत्तर पूर्वी भाग है, इसलिए यहाँ पर अगर हम तापमान देखें तो तापमान इसमें अधिकतम तापमान अगर देखेंगे, अधिकतम तापमान तो लगभग 40 से 42 डिग्री सेल्सियस, 42.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और न्यूनतम की बात करें अगर, तो न्यूनतम टेम्परेचर हमें लगभग 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास नज़र आता है। वहीं अगर वर्षा की बात करें कि वर्षा कितनी होती है, तो वर्षा देखें यहाँ पर तो लगभग 125 सेंटीमीटर
के आसपास की यहाँ पर वर्षा देखने को मिलती है। कितनी? 125 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ वर्षा है। चौथा पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ हमारा पॉइंट है, यहाँ पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, मृदा देख लेते हैं। तो मृदा देखें तो यहाँ पर लाल, लाल के साथ काली, ठीक है, लाल के साथ काली मिश्रित मिट्टी मिलती है। कैसी मिलती है? लाल के साथ काली मिश्रित मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, लाल काली। और कहीं कहीं पर इसका जो क्षेत्र जो कि हमारा किससे लगता है, बघेलखंड से लगता है, वहाँ पर लाल पीली प्रकार की मिश्रित मिट्टी मिलती है, लाल पीली मिश्रित प्रकार की मिट्टी भी मिलती है। लेकिन अधिकांश मिट्टी जो है वो कौन सी है? अधिकांश मिट्टी है लाल काली, लाल काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। अगर हम इसमें देखें मृदा के बाद, अगर हम इसमें फसलों की बात करें, चूंकि मृदा है तो फसलें यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर फसलों की बात करें तो तिलहन ज़्यादातर यहाँ पर बोई जाती है, यानी तिलहन की यहाँ पर कृषि अधिक की जाती है, तिलहन की कृषि की जाती है, ठीक है, तिलहन की कृषि ज़्यादा की जाती है यहाँ पर। और तिलहन की जो कृषि की जाती है, इस तिलहन में ज़्यादातर अलसी, सरसों यहाँ पर बोई जाती है, अलसी और सरसों की यहाँ पर कृषि की जाती है। वहीं इसके अलावा अगर देखें तो गेहूँ, वहीं इसके अलावा गेहूँ चावल, गेहूँ चावल की कृषि भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, और कुछ मात्रा में दलहन भी यहाँ पर उगाई जाती है। तो कृषि में ज़्यादातर अलसी और सरसों जो तिलहन के अंतर्गत आते हैं, वहीं अगर देखें तो गेहूं चावल की कृषि भी यहाँ पर की जाती है, दलहन की कृषि भी यहाँ पर की जाती है। फिर अगर हम बात करें इस क्षेत्र में खनिजों की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं? खनिजों की बात कर लेते हैं, कौन से खनिज हैं? तो खनिजों में मुख्य तौर पर अगर देखेंगे तो रीवा पन्ना के पठार में हमें कुछ प्रकार की चट्टानें मिलती हैं। कौन कौन सी चट्टानें मिलती हैं यहाँ पर? यहाँ पर हमें पन्ना वाले क्षेत्र में बिजावर सीरीज़ की चट्टानें मिलती हैं, जिनको किम्बललाइट कहते हैं। इसके अलावा रीवा सीरीज़ की चट्टानें भी यहाँ पर पाई जाती हैं, रीवा क्रम की, पन्ना क्रम की, जिसको बिजावर क्रम भी कहते हैं। इस प्रकार की चट्टानें हैं जहाँ पर हीरे के निक्षेप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हीरे के निक्षेप, यानी यहाँ पर हीरा निकाला जाता है। हीरे के अलावा अगर आप देखें तो जिप्सम, जिप्सम यहाँ पर मिलता है, क्वार्ट्जाइट यहाँ पर मिलता है, और इसके अलावा क्वार्ट्जाइट के अलावा चूना पत्थर सर्वाधिक मात्रा में, कटनी को चूना नगरी कहते हैं, चूना पत्थर मिलता है, ठीक है, चूना पत्थर मिलता है। इसके अलावा अगर देखें हम तो अधात्विक खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं यहाँ पर। कौन से पाए जाते हैं? अधात्विक खनिज ज़्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं रीवा क्षेत्र में या रीवा पन्ना के पठार में। लेकिन हीरा सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो यह जो है बिजावर सीरीज़ की चट्टानों में, बिजावर क्रम, बिजावर क्रम की चट्टानों मिलता है, ठीक है, बिजावर सीरीज़ की चट्टानें यानी पन्ना वाले इलाके में हमें सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। इसके अलावा रीवा में जिप्सम, इसके अलावा कटनी कैमूर वाले इलाके में चूना क्वार्ट्जाइट वगैरह पाया जाता है, ठीक है। सातवां देख लेते हैं, कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं इसमें। वनस्पतियों की जब भी हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र में हमें, रीवा क्षेत्र में, इसमें हमें ज़्यादातर, क्योंकि वनाच्छादित क्षेत्र है ये, इसलिए सागौन, वर्षा अच्छी होती है यहाँ पर, तो कुछ मात्रा में शीशम भी पाया जाता है, बांस भी यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा तेंदू पत्ता भी यहाँ पर तोड़ा जाता है, या यहाँ पर तेंदू पत्ते की भी प्राप्त किया जाता है, बांस भी यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा बाकी का हमारे अगर बात करें, हर्रा है ना, कत्था है, ये भी यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। उमरिया में देखें तो कत्था की फैक्ट्री है, लेकिन उमरिया जो आता है वो बघेलखंड के पठार में आता है, लेकिन इससे ही संबंधित क्षेत्र है, इसलिए कत्था भी यहाँ पर होता है।
फिर इसके बाद आठवां जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर बहुत सारे वाटरफॉल बना दिए हैं नदियों से देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर नदियों की बात करें अगर, कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं, तो नदियों की बात जब हम करते हैं तो इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है अगर बात करें तो सोन एक प्रमुख नदी है यहाँ की। हालांकि ये रीवा पन्ना के पठार और बघेलखंड के पठार के बीचों बीच बहती है और दोनों की एक बाउंड्री बनाती है। तो फिर भी हम सोन की बात करते हैं, केन की बात करते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें हम तो बीहड़ नदी की बात करते हैं, बीहड़ पर चचाई जलप्रपात स्थित है, बीहड़ है। सेलर नदी यहाँ पर बहती है जिस पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुटी स्थित है, ठीक है। तो ये कुछ नदियाँ हैं। इसके अलावा एक और है टोंस नदी। कौन सी नदी बेटा? टोंस जो है यहाँ की प्रमुख नदी है। टोंस को हम दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। यहाँ पर कुछ वाटरफॉल नज़र आते हैं क्योंकि ये विंध्य का कगारी क्षेत्र है, तो बहुत सारे वाटरफॉल यहाँ पर नज़र आते हैं। कौन कौन से वाटरफॉल हैं? तो सबसे पहले भारत का सबसे सॉरी मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल जिसको कहते हैं बहुटी, सॉरी क्या बोलते हैं जिसको कहते हैं हम, हाँ बहुटी जलप्रपात, बहुटी वाटरफॉल मिलता है। ये किस पर है? सेलन नदी पर बना हुआ है। सेलन नदी पर रीवा में स्थित है, सेलर नदी पर बना हुआ है बहुटी जलप्रपात। इसके अलावा पियावन, कौन सा बेटा? पियावन जलप्रपात, ठीक है पियावन है। फिर तीसरा कौन सा है? चचाई है। चचाई है पहले मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात, चचाई हुआ करता था देश जो 130 मीटर की जिसकी हाइट थी सॉरी जिसकी गहराई थी। वहीं बहुटी की बात करें तो इसकी गहराई 198 मीटर के आसपास है, या ऊंचाई भी कह सकते हैं 128 मीटर है। चौड़ाई की बात करें तो 130 मीटर के आसपास की ऊंचाई है। चौथा है यहाँ पर केवटी, बहुटी केवटी नहीं लिखा अपन ने, केवटी नहीं लिखा अभी, केवटी लिख लेते हैं, केवटी जलप्रपात, ठीक है। तो ये चार प्रकार के जलप्रपात हैं, केवटी बहुटी पियावन और चचाई जलप्रपात, जो कि रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से हमने रीवा पन्ना का भी पठार देख लिया है। ये पठार मुख्य तौर पर अगर देखें डायग्राम से देख सकते हो तो कहाँ पर पाया जाता है, ये पठार मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। तो इसको आप डायग्राम से भी अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चार पठारों की डिस्कशन कर ली है, चार पठार हमारे हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार पढ़िए, एक बार देखिए किस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं हर एक पॉइंट को एलिब्रेट कर रहा हूँ, हर एक पॉइंट को बता रहा हूँ, मुख्य मुख्य पॉइंट को आपको ऐसा तरीके से देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कहीं डायरेक्ट जब हम पठार पढ़ते हैं ना बुक्स वगैरह से या किसी चीज़ से पढ़ते हैं तो हमें याद नहीं होते, हम इसमें से फैक्ट नहीं निकाल पाते। तो प्री परीक्षा का सबसे अच्छा मोटो ये है कि आपको फैक्ट निकालने हैं। क्या निकालने हैं? फैक्ट निकालने हैं। और जब हम फैक्ट निकालते हैं ना तो आसानी से वो चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, हम आसानी से उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट के ही फॉर्म में मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ, साथ ही साथ डायग्राम से उसको अच्छे से समझाता भी जा रहा हूँ। तो कोशिश मेरी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप फैक्ट को याद करें, प्री का को बेहतर बनाएं, साथ ही साथ मेंस के भी इसमें बहुत सारे फैक्ट आपको यहाँ पर मिलते जाएंगे। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पठार है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट पठार है बुंदेलखंड का पठार। कौन सा बेटा? बुंदेलखंड का पठार पांचवा हो जाएगा। बुंदेलखंड का पठार, इसका अगर हम डायग्राम से इसको देखना चाहें तो डायग्राम से जब देखते हैं तो हमें ये बुंदेलखंड का पठार नजर आता है। इसको अगर देखेंगे हम तो बुंदेलखंड का जो रीज़न है ये हमारा कुछ इस तरीके से फैला हुआ पठार है, कुछ इस तरीके से इस पठार का विस्तार हमें नज़र आता है। ये पूरा जो भाग आप देख पा रहे हो ना मध्य प्रदेश का, ये तो आता ही है, इसके अलावा कुछ यूपी का भी रीज़न आता है। तो यूपी का और मध्य प्रदेश का इसमें रीज़न आता है। यूपी के बांदा है, जालौन है, ठीक है, इसके अलावा हमीरपुर है, इसके अलावा ललितपुर है, झांसी है, ये क्षेत्र जो है बेसिकली इस पठार के अंतर्गत आते हैं। बाकी का अगर बात करें, बाकी का जो भाग है मध्य प्रदेश का, जिसमें अगर बात करें
तो कुछ भाग भिंड का साइड वाला भाग जो उत्तर दक्षिण दक्षिण अगर बात करें पूर्वी भाग है, फिर कुछ भाग दतिया का, इसके अलावा अधिकांश भाग जो है अगर बात करें छतरपुर टीकमगढ़, कुछ भाग सागर का, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें हम इसमें कुछ भाग जो है पन्ना और दमोह से भी कुछ 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 भाग इसमें कुछ तहसीलों के भाग बाउंड्री वाले भाग जो हैं सीमावर्ती क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाते हैं, बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये क्या है बेटा, हमारा बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, तो ये बुंदेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड की पठार की अगर हम स्थिति की बात करें, इसकी लोकेशन क्या है, स्थिति बताइए, तो आप बता सकते हैं आसानी से, क्या बता सकते हैं कि इसके उत्तर उत्तर पश्चिम में क्या है बेटा, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में मध्य भारत का पठार है। उत्तर पश्चिम में मध्य भारत का पठार है। दूसरा अगर देखें इसके दक्षिण में, तो इसको अपन ऐसा लिखेंगे दक्षिण, इसको दक्षिण पूर्व कर देंगे, इसको दक्षिण पूर्व में क्या है, रीवा पन्ना का पठार है, रीवा पन्ना है, रीवा पन्ना का पठार है। और इसके दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में क्या है बेटा, मालवा का पठार है, मालवा का पठार, ठीक है, मालवा का पठार है। और इसकी अगर बात करें उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर गंगा नदी का बेसिन है, किसका बेसिन है, गंगा का, गंगा की द्रोणी है, गंगा नदी का बेसिन है। तो इस तरीके से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं या लोकेशन को बता सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसमें और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, स्थिति के बाद हम इसका देख लेते हैं, निर्माण कैसे हुआ है, चट्टाने देख लेते हैं, चट्टाने देखेंगे तो इसमें मुख्य तौर पर इसका निर्माण जो है वो ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से हुआ है। यहाँ पर बुंदेलखंड नीस पाया जाता है, क्या पाया जाता है बेटा, बुंदेलखंड नीस हमें देखने को मिलता है, बुंदेलखंड नीस यहाँ पर पाया जाता है। और यहाँ पर बेसिकली आर्कियन आर्कियन धारवाड़ और विंध्यनग्रम, आर्कियन धारवाड़ और विंध्यनग्रम की चट्टाने, आर्कियन धारवाड़ और विंध्यनग्रम की रॉक्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। बुंदेलखंड नीस एक प्रकार का ग्रेनाइट या इग्नियस रॉक्स के ही बाद ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर बना है, बुंदेलखंड नीस है, प्राचीन चट्टाने हैं ये, ठीक है, कठोर रूप में ये मिलता है। चट्टानों के बाद अगर हम देखेंगे तो इसमें पर्वतीय भाग देख लेते हैं, यानी पर्वत का पीक या शिखर देख लेते हैं। शिखर क्षेत्र की बात करें तो बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची जो चोटी है वो आती है सिद्ध बाबा। सबसे ऊंची चोटी अगर बुंदेलखंड के पठार की देखें तो ये बेटा सिद्ध बाबा, कौन सी है बेटा, सिद्ध बाबा, सिद्ध बाबा बुंदेलखंड के शिखर मतलब बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा, और इसकी ऊंचाई है 1172 मीटर। कहाँ आती है ये, दतिया में आती है। सिद्ध बाबा कहाँ पर है, दतिया के अंतर्गत ये चोटी आती है सिद्ध बाबा, दतिया में स्थित है सिद्ध बाबा, ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद अगर बात करें हम शिखर के बाद अगर बात करें नदियों की, नदियाँ देख लेते हैं, नदियाँ कौन कौन सी हैं, नदियों की बात करें तो बुंदेलखंड के पठार की कुल प्रमुख नदियों में बस, ठीक है, यहाँ से कल कर लेंगे।